बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इसको कोई रोक न पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहन, आप खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही साथ पशुधन भी रखे हुए हैं, और अब पशुधन जो है व्यवसाय का भी रूप लेता जा रहा है, और बहुत सारे किसान भाई बहन इसकी व्यवसाय भी शुरू कर दिए हैं। जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में इन पशुओं का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम पशुओं का ध्यान जाड़े में कैसे रखें इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 8 प्रभेदों की दी गई मान्यता। नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में उद्यान की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बागवान, उद्यान मित्र और किसान को 5 दिवसीय प्रशिक्षण तथा युवाओं को 90 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मिर्च, ओल, अदरक, पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, टिश्यू क्लचर से केला और स्ट्रॉबेरी की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, सब्जी की तकनीकी खेती का प्रत्यक्षण, मशरूम कीट वितरण, पाली हाउस और फल फूल एवं पौधों का बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं, दलहन और तिलहन के 8 प्रभेदों को मान्यता दी है। इसमें बिरसा गेहूं 4, बिरसा उड़द 2, बिरसा अरहर 2, बिरसा सोया बीज 3, बिरसा भाभा मस्टर्ड 1, बिरसा तीसी 1, बिरसा बेबीकॉर्न 1 और बिरसा मड़ुआ 3 शामिल है। इन प्रभेदों की खासियत ये है कि किसान इससे पहले की तुलना में 15-20% अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें रोगों का दुष्प्रभाव भी कम होगा। गौपालक भाइयों, इस मौसम में गायों को ठंड लगने से बचाएं। इसके लिए बेहतर आवास प्रबंधन करें, साथ ही आहार में शरीर को गर्म रखने वाले खुराक दें, विशेषकर उन गायों को जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें सरसों, गुड़ और हल्दी जरूर दें। गौपालक भाई, जाड़े में गौशाला की खिड़की दरवाजे को रात के वक्त अच्छी तरह से बंद करने का इंतजाम करें। ठंड अधिक हो तो खिड़की दरवाजे को बोरे से भी ढक सकते हैं। साथ ही पीने के लिए गुनगुना पानी दें। आवास में गौमूत्र के निकास का व्यवस्था करें। खाने के लिए संतुलित पौष्टिक आहार दें। छोटे बछड़े को ठंड से बचाने पर पूरा ध्यान दें। साथ ही जिन गायों का प्रसव हुआ है उन्हें नियमित आहार के साथ सरसों, गुड़ और हल्दी दें। किसान भाइयों, अगर आप गाय पाल रहे हो तो ठंड के मौसम में ध्यान दीजिए कि उनकी जो आवास व्यवस्था है उसे आप इस तरीके से रखें कि वो जितने भी गाय हैं उन्हें ठंड कम लगे, और जब ध्यान दें कि जो भी बच्चे होते हैं इस समय तो उन्हें ठंड लगने की संभावना काफ़ी होती है और निमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उससे बचने के लिए जब भी गाय आपकी गाभी ये बच्चे देती हैं तो गुड़, सरसों, हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ की अगात खेती के लिए आप अभी से लेकर जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में अगात नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पुषा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पुषा सुप्रिया लगाएं। नेनुआ की अगात खेती के लिए तैयार बिचड़ा भी लगा सकते हैं
और सीधे खेत में बीज बुआई भी कर सकते हैं। बिचड़ा लगाएं या बीज बुआई करें। अनुसंचित बीज दर और दूरी का पालन जरूर करें। इसके लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पुषा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पुषा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण पखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें, इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनस फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, आप पशु रखे हुए हैं और शुकर पालन भी करते हैं, साथ ही साथ बकरी पालन, गाय पालन, बहुत तरह के पशु आपने पाल रखे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जाड़े के मौसम में शुकर पालन जो करने वाले हैं उनके आवास की व्यवस्था कैसे की जाए, उनके खाने पीने का किस तरह से विशेष ध्यान दिया जाए, इसके बारे में आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उनके लिए जिन्होंने शुकर पालन किया है और मौसम अभी चूंकि ठंड का चल रहा है तो इसमें आवास और आहार में किस तरह का बदलाव किया जाना है ये उनको जानना जरूरी है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आलोक कुमार पांडे सर। सर, जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो जो सुकर पालक हैं अगर हम क्रमशः बात करें तो आवास में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, जो कि अभी गर्मी से लेकर बरसात तक उन्होंने किया, क्या चेंजेस करें अभी इनिशियल? बिल्कुल, जो हमारे सुकर पालक भाई जो सुकर पालन से जुड़ चुके हैं वो निश्चित रूप से उसने अपना एक नियमित रूप से एक जो उनकी आवास व्यवस्था है उसके लिए उपाय कर लिया होगा। ये जरूरी है कि आप उनको जो अलग अलग जो कैटेगरी होती हैं उनके लिए अलग जगह का ये करें। जैसे आप बढ़ते हुए बच्चे के साथ मदर को रखें, एक फार्विंग रूम जो है वो अलग बनाएं, जो बोअर हैं जो बड़े सुकर हैं उनको आप अलग रखें, जो बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं उनको अलग रखें। तो ये आपने निश्चित रूप से इस तरह से शेड बनाया हुआ होगा, सबको आप रखते होंगे अलग से, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है, आपको मैंने बहुत सारे सुकर पालक भाइयों को देखा है कि आपने जो शेड बनाया है वो बहुत सारे शेड आपके खुले होते हैं, वो आपने जो 4 फीट का जो जगह है उसको आपने बंद तो कर दिया है और सामने में भी आपने खुला स्थान दिया हुआ है। तो ये खुला हुआ जो जगह है वो खुला हुआ जगह खास करके ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा, आप ठंड जैसे बढ़ेगा तो ये सुकरों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब होगा। तो आप उस जगह को निश्चित रूप से ढक कर रखें, आप उसमें दरी लगाएं, आप उसमें बोरा का टाट लगाएं, आप उसको किसी भी तरीके से उसको बंद करना है, उस खुले जगह को बंद करना है। रात में जो ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रात के ठंड से उनको बचाना ज़रूरी है। दूसरी जो अहम जो चीज़ है जो आपके आवास व्यवस्था में हमें ध्यान देना है, खास करके आप जब गर्मी के दिन थी तो आप ज़्यादा देर तक बाहर उसको छोड़ते थे, अब है कि शाम के समय में आप उसको शेड के अंदर में रखें,
शेड को हमने बताया कि शेड को निश्चित रूप से ये करें, और आपने अगर शेड बनाया हुआ है और आपने एस्बेस्टस ऊपर लगाए हुए हैं, ज़्यादातर एस्बेस्टस ही लगा के रखते हैं, तो एस्बेस्टस को हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ठंड उसमें बढ़ जाता है और रात में फिर घर में एस्बेस्टस में सीट में, तो ये ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ा सा ऊपर में पुआल लगाएं। ये पुआल लगाना बहुत ही, हमने अभी किसानों को कुछ देखा भी है कि वो एक परत लगा देते हैं जिससे कि उसमें ठंड का प्रवेश नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है खास करके बच्चों में, ये बच्चे जो होते हैं सूकर के बच्चे, उसमें हीट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप अगर सारे कमरे में अगर बल्ब लगाएं, ज़्यादा पावर का बल्ब जो कि आपको, हाँ वो गर्म जो ये देगा, क्योंकि आप उसको गर्मी जितना रख सकें तो गर्मी बल्ब से आपको मिलती है, पीला वाला बल्ब मिलता है, आप उसको लगाएंगे उससे ज़्यादा उसको गर्मी मिलेगी जी। तो आप उसको कम से कम 3 से 4 फीट दूरी पर उसको रखेंगे तो उससे घर गर्म रहेगा, खास करके छौनों के रूम में, जो सुकर के छौने हैं उनके कमरे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको ठंड से बचाने के लिए इसका उपाय करें जी। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में आवास निर्माण की बात करें, चूंकि ये हमारा विषय से थोड़ा सा अंतर है, क्या इसमें दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शीतलहर है उसका प्रकोप ना हो? बिल्कुल बिल्कुल एकदम, जब भी आप शेड बनाएंगे उसको पूरा पश्चिम के दिशा में रखेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप जो है वो उसको मिल सके, ये एकदम बिल्कुल उसका एक्सेस जो होगा वो पूरा पश्चिम की तरफ होगा, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें धूप का सीधा प्रवेश इनके घर में हो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़मीन की बात करें, जहाँ पे कि सूकर जहाँ से खाना खाते हैं वही एक खौदा बना होता है या किसी भी रूप में देते हैं, ज़मीन पे किस तरह की व्यवस्था करें? बिल्कुल, एक्चुअली हमारे जो सूकर पालक भाई हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो पक्का का घर बना चुके हैं और पक्का का घर बना के रखते हैं, ये अच्छी चीज़ है, हमने देखा है कि ज़्यादातर सूकर पालक भाई जो हैं, लेकिन खास करके जो अगर मिट्टी वाले घर में अभी भी रखते हों तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मिट्टी के ये में हमेशा चूने का छिड़काव करते रहें, हर 5 दिन पे आप उसमें चूने का छिड़काव करते रहें। दूसरा कि ठंडा से जो बीमारी होती है तो उसके लिए हमेशा हर 15 दिन पर कम से कम उसमें डिसइनफेक्टेंट है ना, वो जो है कोई भी कीड़ा मारने वाली जो ये होती है गैमेक्सिन लगा दो, आप उसमें मेलाथियोन लगा दो, साइथियोन लगा दो, कोई भी चीज़ का छिड़काव कर दीजिए, उससे कीटाणु जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठंड के दिन में, जो कीटाणु जितना बैक्टीरिया वायरस सब का ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको ज़रूरी है कि इसलिए इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो वो ज़रूरी है कि आप उनके घरों में। और दूसरा ये है कि खास करके हम जो आप छौनों के लिए जो घर बनाते हैं उसमें निश्चित रूप से आप पुआल का बेडिंग लगाइए, पुआल के बेडिंग लगाने से जो छौने हैं उनको गर्मी भी मिलती है जो, और दूसरा ये है कि उनमें ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब अगर खाने की बात करें, आहार पे बात करें, चूँकि जो भी सुकर पालक है मैक्सिमम होटल फीड पे या जो वेस्ट है उस पे है, तो इसमें किस तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि वो कलेक्शन मान लीजिए शाम का है और शाम तक में सुबह में अगर देना है तो ठंड ज़्यादा हो गई, अनाज भी ठंडा हो गया, क्या एहतियात बरतें? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी तरह का खाना दें तो थोड़ा सा अगर आप उसको गर्म करके दें, पहला चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर उसको थोड़ा सा गर्म करके दें खाना तो उसके लिए जाड़े के दिन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा ये चीज़ है कि आप उसको जो खाना दे रहे हैं वो खाना बहुत ज़्यादा बासी नहीं हो, इसका ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज़्यादातर होटल वेस्ट जो ले कर आते हो या कोई भी चीज़ जो आप खिला रहे हैं वो बासी खाना अभी जाड़े के दिन में बिल्कुल नहीं दीजिए। आप उनको ठीक है, आप लेके आते हैं, जब उसको कलेक्ट करके लेके आओ आप उसको उसी समय आप उसको खिलाइए, और खिलाने के पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और पानी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पानी अगर सुकर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है उनको पीने की। अब ये है कि अगर हम पानी को थोड़ा सा गर्म करके दें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, या फिर ताजा पानी दें। बिल्कुल ताजा पानी अगर दे सकते हैं, बोरिंग आपके घर में अगर लगा हुआ है उसका पानी दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं से स्टोर्ड वाटर उसको रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आप उनको नहीं दें, क्योंकि ये उनके लिए लाभप्रद नहीं होगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया कि जो भी किसान भाई सुकर पालन कर रहे हैं किस तरह से आवास और आहार में बदलाव करें, और खासकर जो गाभिन सुकरियाँ हैं
उनको अलग से व्यवस्था दें, जिससे कि जब वो डिलीवरी उनकी हो तो जो 8-9 बच्चे उनके पेट में हैं वो भी सुरक्षित रहें, किसानों को फ़ायदा मिले। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई बहनों, बकरी पालन आप करते हैं और जाड़े के मौसम में बकरियों का खास ध्यान रखना पड़ता है। इनके भोजन की, इसके रहन सहन की, हर तरह की व्यवस्था जो है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको हम दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे कि ठंड के मौसम में बकरियों के पालन में क्या सावधानी बरतें और आहार में क्या व्यवस्था करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं डॉक्टर आलोक पांडे जी। ठंड का मौसम है और ऐसे में झारखंड में देखते हैं तो बकरी पालक जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें क्या आवश्यक अभी बात है जो सावधानी बरतें? बिल्कुल, क्योंकि ठंड का मौसम की शुरुआत हो चुकी है और हमारे पशुपालक जितने भी बकरी पालक हैं, ज़्यादातर जो पशुपालक हैं वो बकरियों को चरा के रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो चराने के लिए ले जाते हैं तो चराने का टाइमिंग थोड़ा सा ठीक करना ज़रूरी है। एकदम ध्यान रखना है कि हम उसको धूप के समय में निकालें और धूप रहते रहते उसको वापस लेके आएं, ये ज़रूरी है, क्योंकि ठंडे में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो बकरियों की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आजकल जो हैं, क्योंकि ठंड से बकरियों में बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आ सकती हैं, इसलिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब चराने के लिए ले जाएं तो ज़रूर चराएं, 10 बजे के आसपास निकलें, मतलब धूप एकदम अच्छी आ जाए, और 3 बजे तक आप वापस लेने का ये करें कि हम उसको। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने बाड़ा बनाया होगा, अगर आप बाड़ा नहीं बनाए हुए हैं उनको रखने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको शेडेड एरिया में रखें, क्योंकि अगर रात में जिस तरह से ठंड बढ़ जाती है उसमें हमारे पशुओं को बहुत दिक्कत होती है, बकरियों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग अपने घरों के आंगन में भी रख लेते हैं, बकरी को कहीं ऐसे जगह पर रख देते हैं जो कि खुला होता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि खुले में बकरी जो है वहाँ पर, एक तो अंदर में अपने आप में नमी है, मिट्टी का ज़मीन होता है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, उससे नमी से बहुत ज़्यादा ठंडक जो है वो तुरंत प्रभावित कर सकता है आपके बकरियों को, तो वो जगह सूखा रहे इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आप उसके लिए शेड बनाएं, निश्चित रूप से एक जो आप अगर फार्मिंग के रूप में इसको कर रहे हैं तो आपने शेड बनाया होगा। जनरल हमारे किसान जो हैं वो एस्बेस्टस का शीट लगाते हैं, एस्बेस्टस के शीट में उसको अपने बाड़ा बना के उसको रखते हैं, तो एस्बेस्टस का शीट लगाते हैं, उसमें बहुत सारा एरिया जो है वो खुला होता है, दिन के समय में वो एरिया बिल्कुल खुला रहे ताकि उसमें स्वच्छ हवा आ सके, और शाम के समय में जैसे ही शाम होने लगे आप उसमें वो पूरा खुला एरिया जो है उसमें टाट लगा दें, बोरे का टाट लगा दें, है ना। उसमें ये ज़रूरी है कि आप उसको चारों तरफ से बंद करके रखें, क्योंकि उसमें जो ठंडा आता है ये हमारे बकरियों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है। दूसरा ये है कि एस्बेस्टस का शीट जो हमने लगाया हुआ रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो हम एस्बेस्टस के शीट पर भी आपको बोलते हैं कि आप उस पर थोड़ा पुआल बिछा दें, पुआल लगा देंगे ऊपर तो ये कुशन का काम करेगा, नीचे में भी ज़मीन पर भी आप अगर पुआल बिछा कर रखते हैं, और ख़ास करके बकरियों के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों में सबसे ज़्यादा ठंड के मौसम में निमोनिया होने का डर होता है, और निमोनिया जो ठंड जो है अगर निमोनिया का रूप ले लेगा तो हमारे पशु बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले तो उसमें निमोनिया हो जाने पर एक तो उनका तुरंत बुखार बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 104-105 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, नाक से जो ये है वो हमेशा निकलते रहता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और हमने देखा है कि अगर आप पशु चिकित्सक से तुरंत आपने इलाज नहीं करवाया तो आपकी बकरी 3-4 दिनों के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। खास करके बच्चों के लिए, बकरी के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनको एकदम पुआल वाले जगह पर, गर्म वाले जगह पर रखें, और बहुत सारे बकरियों को एक साथ नहीं रखें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि बकरियों में अगर होता क्या है कि आप एक रूम में, छोटा सा एक रूम बनाए हुए हैं उसमें 20 बकरी को डाल दिए,
उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तभी भी निमोनिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत सारे किसान भाई जो हमारे गांव में है एडवेस्टर तो डालते हैं लेकिन उसमें पुआल डालने में डरते हैं क्योंकि पुआल जब भींगता है तो जल्दी सूखता नहीं, उनका कहना है, तो इससे कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि आहार की क्या व्यवस्था करें इस ठंड के मौसम में? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो आपको जो हमने कहा कि पुआल को डालना है एस्बेस्टस के सीट पे छत पे डालना है, तो वो छत पे तो इसलिए डालना है कि जो ठंड रात में जो बहुत ज़्यादा ठंड आता है उससे जो सीधे प्रभाव एस्बेस्टस पे पड़ता है और ठंडा बहुत जल्दी रूम में आ जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको जो पुआल जो उस पर बिछाते हैं उसको धूप में फिर उसको सुखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पुआल नहीं बिछा रहे हो, अगर आप नीचे भी रख रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि उस पर चूना आप थोड़ा सा निश्चित रूप से हमेशा, क्योंकि चूना जो है वो मॉइस्चर को जो नमी है उसको सोखता है, तो वो भी करने से आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी जो बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि ठंड के मौसम में आहार व्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ठंड के मौसम में आप जो है उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनको शरीर के मेटाबॉलिज्म को अपना मेंटेन रखने के लिए उनको एक प्रॉपर आहार की आवश्यकता होती है। तो अगर आप केवल चरा कर रखते हैं तो उनसे उसका काम नहीं चलेगा, उनको पूरक आहार देने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं वो पेड़ की डालियों को काट के और उसको देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पेड़ की डालियों को काट के आप उनको पूरक आहार के रूप में दें, लेकिन साथ में निश्चित रूप से आप थोड़ा दाना मिश्रण उनको दें। दाना मिश्रण देने से शरीर में ऊर्जा भी आएगी और उनका ग्रोथ भी जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो दाना मिश्रण में आप जो दाना मिश्रण इनका बनाते हैं मकई के दाने से, उसमें आप जई या मकई इनका चून ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा बादाम का खल्ली हल्का सा मिलाइए और उसमें जो चोकर है वो चोकर का मात्रा मिलाइए और साथ में उसमें थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर ये ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जितना आप बनाते हो उसमें 1% उसमें निश्चित रूप से मिनरल मिक्सचर उसको डालें और उनको खिलाएं, तो शरीर में जो ऊर्जा है वो मेंटेन रहने के लिए आहार व्यवस्था पर ध्यान देना की बहुत ही आवश्यकता है। और केवल चराकर आप उसको चाहेंगे कि हम बकरी पालन से लाभ लें वो संभव नहीं होगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने ठंड के मौसम में बकरियों के लिए क्या बातें बताएं और इसका उपयोग करेंगे तो आपके बकरी जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा मुनाफा आपको होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाइयों। तो देखा किसान भाई बहन कि बकरी का कैसे ध्यान रखना है इस जाड़े के मौसम में, क्योंकि कपकपाते जाड़े में हम लोग भी ठिठुर रहे हैं और बेजुबान तो बोल नहीं पाते, इसलिए हमें उनका ध्यान वैज्ञानिक तरीके से रखना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहें और आपको काफ़ी मुनाफा दिला के जाएं। जाने से पहले एक और बात, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, किसी तरह की विशेष जानकारी चाहिए, कुछ बदलाव चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो चलिए अब दीजिए विदा हमारे पूरी टीम को, नमस्कार।